नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। भोपाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा कि 15 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार बदलने का निर्णय लेकर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की बागडोर सौंपी थी, लेकिन बीजेपी ने धन बल और खरीद फरोख्त करते हुए चुनी हुई सरकार को जलाकर लोकतंत्र की हत्या की है। इसलिए कांग्रेस प्रतिवर्ष 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का यह कृत्य जो था वो पूरी तरह असंवैधानिक था और संविधान की उन भावनाओं के विपरीत था जो अंबेडकर जी ने बनाए थे। तो इसलिए 20 मार्च को हम लोग पूरे प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रहे हैं। इसके तहत पूरे प्रदेश में तिरंगे यात्रा निकली जाएगी। तिरंगे यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता टोली बनाकर निकलेंगे और जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान से अंबेडकर जी की प्रतिमा तक जाएंगे और वहाँ पर सभा होगी। सभा में संविधान की व्याख्या का वाचन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता को जो तकलीफें दी जा रही वो बताई जाएगी और तो कांग्रेस की रीति की नीति के संबंध में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अपना वक्तव्य प्रसारित करेंगे। उसी बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का जो संदेश है संविधान के संबंध में उसका प्रसारण किया जाएगा। पूरी यात्रा में जो तिरंगा यात्रा है उसमें क्या पार्टी के बड़े नेता जो है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, सुरेश जी शामिल होंगे? अगर होंगे तो कुछ स्थान तय हुए हैं? नहीं, जो जहां संभव होगा वहां सम्मिलित होगा। जो जहां जिस जिले में होगा वहां पर वो लोग सम्मिलित होंगे। बड़े नेता शामिल होंगे? होंगे, क्यों नहीं होंगे, हम भी बड़े नेता हम भी शामिल होंगे। धन्यवाद। कश्मीर जी, देखिए मेरा ऐसा ख्याल है कि ये मुझे याद नहीं अभी जो घटनाएं हुई है उस सारे समय कश्मीर में जब जब कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए हैं उस समय केंद्र में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार रही है। जो पिक्चर में मुझे याद है, आप में किसी को याद हो कि जगमोहन जी उस समय वहाँ पर जो थे गवर्नर थे और वीपी सिंह राजपी शाह वीपी से एक समय जब वीपी सिंह थे तो वो मैं ये मान बीजेपी के समर्थ मैं ये मानता हूँ कि यह पिक्चर जानबूझकर राजनीतिक तौर पर बनाई गई, कुछ तथ्यों के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर नहीं। सर, 20 मार्च से प्रति हर वर्ष 20 मार्च को कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है, सर क्या कुछ इसके लिए रूपरेखा तैयारी है? दो दिन बाद देखिए, दो वर्ष पूर्व 20 मार्च को हम लोग इस वर्ष कांग्रेस पूरे प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी। लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य है कि जिस भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट।